हेलो, मैं आ चुका हूँ अपने कैपकट एप्लीकेशन में। कैपकट एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले एक वीपीएन इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं जैसे टर्बो वीपीएन यूज़ करता हूँ, आप भी कोई भी से वीपीएन यूज कर सकते हो। और कैपकट एप्लीकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप मेरे को इंस्टा में भी मैसेज कर सकते हो, मैं वहां से आपको कैपकट का एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा। उसके बाद ओपन करने के बाद किस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, उसके बाद ये न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। और सबसे पहले आपने को एक अच्छा सा फोटो ले लेना है, तो मैं फोटो ले लेता हूँ। फोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ऐड लिखा है, ऐड पे क्लिक कर देंगे। इतना होने के बाद क्या करना है, ऐड म्यूजिक लिखा है इस पे क्लिक करेंगे और साउंड पे चलेंगे। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और आपको 6 सेकंड का ऑडियो उसको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं ऑडियो को ले लेता हूँ। ऑडियो लेने के बाद क्या करना है, लास्ट में जो ब्लैक वाला उसको क्लिक करेंगे और डिलीट का निशान दिख रहा है डिलीट कर लेंगे। उसके बाद फोटो पे क्लिक करना है, इसको जहाँ तक अपना आइडिया हो वहाँ तक रख लेना है। ये मेरा हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, 2 सेकंड तक का रखना है और यहाँ एक स्लिप्ट करना है। स्लिप्ट करने के बाद इफेक्ट लिखा है, इफेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करना है और ये डायमंड वाला ले लेना है और राइट निशान पे क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, ये रो का निशान दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने को 2 सेकंड से थोड़ा पहले यहाँ टेस्ट निशान पे क्लिक करेंगे और ऐड टेस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अपने को लिखना है हेलो। हेलो लिखने के बाद स्टाइल पे चलना है और जो भी कलर लेना है आप जैसा चाहो ऐसा ले सकते हो। उसके बाद फाउंट पे चलना है, यहाँ से आप अपना अच्छा सा फाउंट ले लेंगे, राइट के साइन पे क्लिक कर देंगे और इस फाउंट को अपन इस टेस्ट को अच्छे से जमा लेंगे। जमाने के बाद क्या करना है, ये जो टेस्ट है उसको अपने को थोड़ा सही रखना है, तो इसको थोड़ा सही रख लेता हूँ। ये हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, जो सेकेंड वाला अपना फोटो क्लिप है उसको क्लिक करना है और यहाँ से एनिमेशन पे चलना है। ये मैं रॉकिंग वाला लगा लेता हूँ, कोई भी सा आप लगा सकते हो और इसका ड्यूरेशन को अपने को बढ़ा लेना है। उसके बाद राइट निशान पे क्लिक कर देंगे। तो होने के बाद क्या करना है, ये जो निशान है इस पर क्लिक करना है और इफेक्ट पर चलना है, यहाँ से वीडियो इफेक्ट पर चलना है और यहाँ से अपन चलेंगे लाइटिंग इफेक्ट पर और यहाँ से कोई भी सा लाइटिंग अपन ले सकते हैं। उसके बाद लेने के बाद राइट निशान पे क्लिक कर देंगे। इतना होने के बाद क्या करना है, ये रुक निशान पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करना है और ये रेशियो लिखा है रेशियो पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अपन 9:16 रेशियो पे क्लिक करेंगे और राइट निशान पे क्लिक कर देंगे। इतना होने के बाद अपना वीडियो तैयार हो जाएगा। मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। उसके बाद ये जो निशान दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और अपना वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करेगा, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।